वज़ीरे ख़ज़ाना असद उमर कहते हैं, मैं डॉक्टर नदीम उल हक और इनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर काम किया है। मईशत इंसानी जिस्म की तरह है। रुख करते हैं, वज़ीरे ख़ज़ाना असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर नदीम उल हक का, उनकी टीम का, कि उन्होंने एक पाकिस्तान की मईशत के लिए जो इस वक्त मेरे ख्याल में सेंट्रल डिस्कशन जिस चीज़ के ऊपर होनी चाहिए उसके ऊपर ये काम किया और आज ये फ्रेमवर्क हमारे साथ डिस्कस हो रहा है, और वो है ग्रोथ। हम 3 साल एक बड़े ही मुश्किल और बहुत हद तक कामयाब सफ़र से गुजर के आए हैं, बुनियादी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहाल करने के लिए मईशत की। मुझे बहुत सारे लोग ये सवाल पहले भी पूछते रहे हैं कि हमने ग्रोथ को क्यों नहीं इग्नोर किया, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप नॉर्मल हालात के अंदर हैं और आप या तो कंपेटिटिव को स्पोर्ट्स के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं या वैसे ही आप चाहते हैं कि आपका फिटनेस लेवल हो, तो आप जिम में जाते हैं, वर्जिश करते हैं, वेट्स यूज़ करते हैं, ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, आप एरोबिक कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, मसल कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। लेकिन अगर आप कार्डियक अरेस्ट हो रहा हो ना, तो आप डॉक्टर जाके आपको लेटा के वहाँ पे आपको चीरता है, वो ये नहीं कहता कि इसकी वजह से मसल लॉस होगा या नहीं होगा। सो मईशत भी बिल्कुल उसी इंसानी जिस्म की तरह से है। जिस वक्त आपके साल के अंदर 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट डेफिसिट्स हो रहे हों, जब आपके 2-2 बिलियन डॉलर के एक एक माह के अंदर डेफिसिट्स हो रहे हों, जब आपका प्राइमरी बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो और वो 2.1 या 2.2% मईशत का उसके अंदर खसारा हो, यानी आप जो है जो रोज़मर्रा अपने सरकार जो चलानी है और जो डेवलपमेंट करनी है, वो तमाम ज़रूरियात जो पूरी करनी है, उसके लिए भी आपको कर्जे लेने पड़ रहे हों, तो बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर के ऊपर भी जब आपकी इतने ज़्यादा हालात मुश्किल पैदा हो जाएं, तो जब तक आप स्टेबिलिटी रिस्टोर नहीं करते आप आगे नहीं चल सकते। अगर आप उस सिचुएशन के अंदर ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे तो आपका वही असर होगा कि आपको कार्डियक अरेस्ट हो रहा और आप जिम जाके जो है वेट उठाने शुरू कर दें। लेकिन अब हम उस सफर से गुजर चुके हैं। हम 20 बिलियन डॉलर सालाना खसारे से, एक्सटर्नल बैरूनी खसारे से निकलकर इस माली साल के अंदर हम एक्सटर्नल करंट अकाउंट सरप्लस में चल रहे हैं। हम 2% से ज़्यादा GDP का जो प्राइमरी हमारा बैलेंस का खसारा था, हम वहाँ से निकल के पिछले कई माह से प्राइमरी सरप्लस के ऊपर चल रहे हैं। तो एक बेडरॉक आपके पास आ गया है स्टेबिलिटी का, आपकी जो मईशत की आपने इमारत खड़ी करनी है उसकी आप समझ लें बुनियादें डल चुकी हैं। लेकिन अब सिर्फ अच्छी बुनियाद को तो मैंने नहीं देना, बुनियाद आप तो इसलिए डालते हैं कि उसके ऊपर अच्छी इमारत बनाई जा सके, सिर्फ बुनियाद बुनियाद के लिए तो नहीं बनाई जाती। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फॉर द सेक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ये तो एंड नहीं है, यहाँ से आपने सफर शुरू करना है तरक्की का, जो बार बार इंटरप्ट हुआ है। जैसे डिप्टी चेयरमैन पहले कह रहे थे कि हमारी जो मईशत की नमू रही है वो हम सब ने देखा है कि पिछले कम से कम 30 साल से ज़्यादा हो गया यही सिलसिला होता है। 2 साल ग्रोथ होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, एक्सटर्नल क्राइसिस क्रिएट होता है, IMF प्रोग्राम में चले जाते हैं, सिवियर मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट में चले जाते हैं, और ये बार 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 साइकिल रिपीट होता रहा है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि वो जो खसारे की जो साइज है वो बड़ा होता चला जा रहा है, और इंस्टेबिलिटी जो है, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, उसकी जो नौयत है बल्कि उसकी जो एक्सटेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। ऐसे वो जब हम IMF के साथ बैठे थे नेगोशिएशन करने के लिए, तो उनसे जब हम आर्ग्यू कर रहे थे कि ऑन द स्पेसिफिक मेजर्स, तो उनका आर्ग्यूमेंट वापस होता यही था कि ये सही है कि जो हम आपसे कह रहे हैं ये कभी भी पहले पाकिस्तान को करने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन पहले कभी आपके इतने हालात कब खराब हुए थे जितने आज हैं, सही कहते थे। सो अब जबकि हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, ग्रोथ खुद ब खुद नहीं होती। चले एक टू अ सर्टेन एक्सटेंट तो ग्रोथ जो है उसका एक मोमेंटम होता है वो हो जाएगी, लेकिन अगर आप वाकई में ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर उसके पीछे कुछ सोच की जरूरत है, कोई एक कोहेरेंट पॉलिसी की जरूरत है कि हमने ग्रोथ कैसे अचीव करनी है और वो किस किस्म की ग्रोथ होगी। एक तो पहला सवाल जाहिर है ये भी होगा कि कितनी ग्रोथ जो है उसको टारगेट करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम मेरे ख्याल में ये लेसर इंपॉर्टेंस का इशू है कि हम ग्रोथ 5% है ये 6% है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस ग्रोथ की
शरह नमू की नौयत क्या है, क्या वो एक्विटेबल है, क्या मुल्क के जो मुख्तलिफ माशरे के हिस्से हैं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं, क्या सबको उस ग्रोथ का, उस तरक्की का एक जायज हिस्सा मिल रहा है, या वो कॉन्सेंट्रेटेड है, एक खास तबका जो है उसकी बेहतरी होती चली जा रही है, और या एक खास इलाका है जिसकी बेहतरी होती चली जा रही है। क्योंकि हमें ये पता है कि ये चीजें देर पा नहीं साबित होती। हमने 60s के अंदर देखा इतना हाई ग्रोथ रेट हुआ और एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आया, मुल्क दो टुकड़े हो गया। इसी तरीके से आपको मुल्क के कई इलाकों के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, जहां पे आप सिक्योरिटी पे इतना पैसा खर्च करेंगे, अगर डेवलपमेंट में कर दें तो उस इलाके की शक्ल बदल जाए, तो हम वहां पे पहुंचे जरूर, उसके अंदर सियासी एम्पावरमेंट भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक पाए की एक जो इक्विटेबल यानी मुनसिफाना उसका तकसीम है, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर आप डेरा बुकटी से गैस निकालेंगे और उस गैस से वो कराची भी जाएगी, लाहौर भी जाएगी, इस्लामाबाद भी जाएगी, पेशावर भी जाएगी, और आपकी जीडीपी ग्रोथ भी उससे होगी, और डेरा बुकटी वालों को वो गैस नहीं मिलेगी, तो फिर वही होगा जो हुआ बलूचिस्तान के अंदर। सो एक तो इक्विटेबल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी एक जमाने में बड़ा वो एक कंसिडर किया जाता था कि ये तो नेचुरल ट्रेड ऑफ है, आपका ग्रोथ और इनइक्वालिटी का एक ट्रेड ऑफ है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आई एम फॉरगेटिंग विच कर्व दैट वाज, डॉक्टर साहब, बड़ा फेमस वो कर्व था। सो बट ना, कुज़नेत्स कर्व। सो लेकिन जो रीसेंट पिछले 10 साल 20 साल की मईशत में जो थिंकिंग की गई है, उसके अंदर ये बड़ा वाजे तरीके पे आया है कि अगर इनइक्वालिटी एक हद से बढ़ती है तो उससे ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाती है। तो इवन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस इनइक्वालिटी को एड्रेस करना जो है वो लाजमी है। मॉरल डायमेंशन तो उसका है ही है, उसका सियासी डायमेंशन है, नेशनल इंटेग्रिटी का डायमेंशन है, लेकिन उसका प्योर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी हमें जहन में रखना है, और ग्रोथ ऐसे अचीव करनी है कि लोगों को उसका मुनसिफाना उसमें तकसीम हो, और लोगों को नजर आए कि हाँ, ये जो मुल्क की तरक्की की खबरें मैं टीवी पर सुनता हूँ, इससे मेरी जिंदगी भी कुछ बेहतर हो रही है। दूसरा ऑब्वियसली सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी के इसके दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो सस्टेनेबिलिटी का जो आजकल उर्फ आम के अंदर लिया जाता है, जो एनवायरमेंट रिलेटेड है, जाहिर है वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बुरी तरीके से अफेक्टेड है, दुनिया के 10 ममालिक जिनको सबसे ज्यादा खतरा है एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से एक है। और हमने देखा है कि जिस तरीके से हमारे पास साइकिल्स आते रहे हैं, पिछले सिर्फ 20 साल ही अगर आप उठा के देख लीजिए, ड्राउट के साइकिल आए, दो दफा बहुत बड़े फ्लड्स आए। सो क्लियरली जो नेचुरल एनवायरमेंट की डिटेरिएशन है, उससे बराह रास्त जिंदगियां अफेक्ट हो रही हैं। तो बड़े लेवल के ऊपर है। आप छोटी कम्युनिटीज के अंदर अगर आप चले जाएं, अगर आप हमारी जो कोस्टल बेल्ट है वहां पर आप जाएं, तो आपको नजर आएगा कि किस बुरी तरीके से लोगों की माशी जिंदगी वहां पे मफलूज हुई है। वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो हम कर रहे हैं समुंदर के अंदर, उसकी वजह से उनकी फिशिंग हैबिटेट छोड़ गए हैं, और उसके अलावा जो हमने जिस तरीके के मंसूबे किए, बजाय के सॉल्ट वाटर जो है, सैलाइन वाटर समुंदर में जाने के, हमने सी वाटर इंक्रोचमेंट करा दी, और वो जो पूरी कोस्टल बेल्ट है उसको हमने इकोनॉमिक लाइफ डेवस्टेट करके रखी। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान के जहां इकोनॉमिक लाइफ, उनकी माशी जिंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। और दूसरा पहलू सस्टेनेबिलिटी का वो है जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे कि ये ज़िगज़ैग ग्रोथ जो है, क्योंकि उसके अंदर होता ये है कि ये जिस तरीके की दुनिया बन गई है, तो ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर, और ये बढ़ता गया है रोजान जैसे जैसे आगे चलता गया है, जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ गेन एंड सोशलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तो जिस वक्त वो ग्रोथ आती है, तो वो ग्रोथ का फायदा तो वो जिसके पास शेयर्स हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर जमीन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको बहुत पैसा मिलता है। जिस वक्त एडजस्टमेंट की बारी आती है, तो वो ओवरवेलमिंगली बर्डन जो है एडजस्टमेंट का जो है वो उनके ऊपर जाता है, जो उसके बेनिफिशरीज नहीं थे उस ग्रोथ के जो हुई थी, जिसकी वजह से वो अनसस्टेनेबल ग्रोथ की वजह से जो मुश्किल आई। जाहिर सादा सी बात है, एक्सटर्नल अकाउंट का डेफिसिट होगा, आपका रुपया फटेगा, डिवैल्यूएशन होगी, हर चीज महंगी हो जाएगी, आपका घी भी महंगा होगा, आपके दालें भी महंगी होंगी, वो भी हम बदकिस्मती से इंपोर्ट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद जो चॉइसेस भी पब्लिक पॉलिसी की जाती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के अंदर, वी नो एलीट कैप्चर जो है वो रियलिटी है, वो पाकिस्तान के अंदर भी रियलिटी है, वी नो के एलीट कैप्चर है डिसीजन मेकिंग के अंदर, और इसलिए वो एडजस्टमेंट का बर्डन भी जो है वो कमजोर तरीन तबके के ऊपर पड़ता है। सो ये भी पहलू जो है
वो भी इनइक्वालिटी से ही, ये वाला सस्टेनेबिलिटी का, कि जितना आपकी कम वेरिएशन होगी, जितना आपका स्मूथ ग्रोथ पाथ होगा और ये जो शार्प एडजस्टमेंट्स नहीं आएंगी, उतना ये इनइक्वालिटी का जो हमारा नुकसान है वो भी हम उसको मिटिगेट कर सकेंगे। दूसरा, इसका तीसरा पहलू जो बहुत अहम है वो ये है कि इसी प्लानिंग कमीशन के अंदर, और एक वो मेरे, अगर आप दफ्तर में आके बोर्ड देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पर रह चुके हैं और बहुत अमेजिंग काम भी किया, लेकिन जो वो काम करते थे 60s के अंदर या 70s के अंदर, वो दुनिया की मईशत अब बदल गई है। वो जमाना था लाइसेंस राज का, जहां पर इंपोर्ट लाइसेंस भी आपको सरकार से लेना है, इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री लगानी है तो उसकी भी अप्रूवल लेनी है, इंडिविजुअल एलसी खुलती थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के साथ, एक स्ट्रैंगल होल्ड था सरकार का इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर। वो बदल गया है, दो तरीके से बदल गया है। एक तो वफाक के पास जो तमाम ताकत मरकूज होती थी वो बहुत हद तक सूबों के पास चली गई है, इंडस्ट्री डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ज़राअत डिवॉल्व सब्जेक्ट है, सो बहुत सारी माशी जो फैसले हैं उसका इख्तियार अब वफाक के पास रहा भी नहीं है। और प्लानिंग कमीशन बैठ के, अगर वफाकी हुकूमत बैठ के फैसले कर भी ले तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है इंप्लीमेंट करने की। जो मैं सरकारी फैसलों की बात कर रहा हूं उसमें, जैसे डिप्टी चेयरमैन ने भी जिक्र किया था, सूबों का एक बहुत बड़ा रोल है। साथ ही ज्यादातर एक्टिविटी जो है वो अब चली गई है प्राइवेट सेक्टर, खासतौर पर ग्रोथ अगर आनी है तो वो ग्रोथ ड्राइव करनी है प्राइवेट सेक्टर ने। सो नोइंग डॉक्टर नदीमुल हक, आई एम श्योर के जो आज वो बात करेंगे उसके अंदर ये जरूर इस बात का देख का फोकस होगा कि वो क्या पॉलिसी ट्रिगर्स हैं जो हुकूमत इनिशिएट कर सकती है, जिन पॉलिसी ट्रिगर से हम ये ग्रोथ अचीव कर सकें प्राइमरीली थ्रू द प्राइवेट सेक्टर। सो आई एम श्योर उसका भी हम जरूर इसके अंदर ख्याल रखेंगे। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं एंड में दोबारा से आपको कहूंगी, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू जो आपने आज ये काम किया है। वो थोड़ा सा टाइमिंग का क्लैश हो गया, सो अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से अभी जाना पड़ेगा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रेजेंटेशन एंड डॉक आपके साथ फिर उसके बाद बैठ के वी विल हैव अ डिस्कशन आल्सो। इट्स ग्रेट टू हैव टॉप ऑफ द लाइन पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल माइंड्स गेटिंग एंगेज इन दिस प्रोसेस। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आई एम श्योर डॉक्टर परवेज विल हैव अ लॉट ऑफ गुड स्टफ टू कॉन्ट्रीब्यूट। सो लुक फॉरवर्ड टू द प्रोसीडिंग्स एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you very much, Mr. Sir. And now, I would... मजीद अपडेट के लिए देखते रहें कि एनएन न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।